हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा कि जब भी हम अपने शहरों में जब गाड़ी चलाते हैं ना भाई, पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ शहर सिटी के अंदर की, राइट। तो जब आप गाड़ी अपनी टर्न करते हो, सपोज करो आपको 90 डिग्री रोड पे एकदम टर्न करना है, शार्प एकदम टर्न है, राइट, या दूसरा हमें एकदम यू टर्न मारना है। अब मैं आपको जो है यहीं से यू टर्न मार के दिखाता हूँ। देखो, तो जब मैं यू टर्न मारते हो ना, आपने कई बार ये चीज नोट करी होगी कि कुछ गाड़ी तो भाई साहब पूरी की पूरी एक साथ मुड़ जाती है, लेकिन कई बार कुछ गाड़ी क्या होती है आपको पीछे लानी पड़ेगी, और पीछे लाने के बाद फिर वो आपकी गाड़ी है ना, फिर आपकी गाड़ी यू टर्न मारेगी, राइट। तो अब ये जो टेक्निकली जो ये जैसे टर्न मारती है ना, तो इसके अंदर एक टेक्निकल टर्म होती है। आप जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे ना, तो उसके अंदर आप ब्राउशर वगैरह पढ़ोगे या टेक्निकल टर्म देखोगे, तो एक चीज लिखी होती है टर्निंग रेडियस, ठीक। अभी जो टर्निंग रेडियस होती है ना, ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि टर्निंग रेडियस होता क्या है और टर्निंग रेडियस इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि टर्निंग रेडियस होता क्या है। जब आपकी गाड़ी आप टर्न करोगे, यू टर्न करोगे, या एकदम 90 डिग्री पे आप कट मारोगे, तो जब आपकी गाड़ी पूरी घूमती है ना, सपोज करो आपने अपनी गाड़ी का जो चक्का है पूरा का पूरा चक्का घुमा दिया, ठीक है। तो पूरा चक्का घुमाने के बाद जब आपकी गाड़ी उस सेम पोजीशन में आती है जहां से आपने स्टार्ट करी, और सेम जब सर्किल कंप्लीट होके आता है, ठीक है, तो आपको पता है वो पूरा का पूरा जो सर्किल बनता है ना, वो एक पूरा डायमीटर जो होता है, डायमीटर आता है उसकी मेजरमेंट, ठीक है, कि इतना जो है पूरा का पूरा जो है ये लेंथ निकल के आई है। जब आप डायमीटर को हाफ करोगे ना, तो डायमीटर हाफ करने के बाद निकल के आता है रेडियस। तो आप ये सपोज मान के चलो कि पूरा 360 डिग्री का जो पूरा सर्किल है उसको आप हाफ कर दो, तो जो हाफ करने के बाद जो ये रेडियस निकल के आता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, ये हमेशा मेजर में होता है। टर्निंग रेडियस की अगर बात करें, ये होता है मीटर के अंदर। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे इसको आपका टर्निंग रेडियस के अंदर, ठीक है, ये मीटर में आगे निकल के। तो जब आपका गाड़ी का, जैसे आप गाड़ी स्ट्रेट लेके जा रहे हो और गाड़ी का चक्का आपने ऐसे मोड़ा पूरा काटने के बाद, तो जब ये पूरा घूम के आएगा ना, तो इसको बोलते हैं टर्निंग रेडियस, राइट। अभी जो टर्निंग रेडियस होता है ना, टर्निंग रेडियस जितना कम होगा उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि जितना टर्निंग रेडियस कम होगा उतनी आपकी जो गाड़ी है आराम से जो है पूरा का पूरा घूम जाएगी, और जितना टर्निंग रेडियस आपका ज्यादा होगा उतनी आपको गाड़ी घुमाने में थोड़ी सी समस्या आएगी। अब यू टर्न मारने के लिए ना, आप देखना कि गाड़ी कितनी आराम से जो है ना ये यू टर्न मार जाएगी, क्योंकि क्यों मारेगी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप इंडिकेटर, आप देखो ये फटाफट जैसे मैंने गाड़ी घुमाई और ये आराम से काटगी। सिटी पर्पस के लिए जब आप गाड़ी फाइंड आउट करते हो ना, तो टर्निंग रेडियस भी थोड़ा सा आप देखना कि टर्निंग रेडियस जो है वो किसका कम है। जितना टर्निंग रेडियस कम से कम हो सकता है उतना वो बेटर होगा आपकी गाड़ी को जो है पूरा काटने में, घुमाने में, यू टर्न वगैरह मारने में, राइट। अब इसी सेगमेंट के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं ना इसका, जैसे कि हमारी गाड़ी आती है आपकी अल्ट्रोज हो गई या i20 हो गई, ठीक है, सबसे कम जो टर्निंग रेडियस होगा जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने ये देखा भी है वेबसाइट वगैरह पे, तो मुझे सबसे कम बलेनो का दिखा है। अगर आप अल्ट्रोज का देखोगे तो अराउंड 5 मीटर के आसपास आता है, और जो i20 है उसका सबसे ज्यादा है 5.2 मीटर का। बहुत सारी वेबसाइट पे ये मेंशन है कि 5.2 मीटर उसका टर्निंग रेडियस है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, लाइव आपको मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अब सपोज करो मेरे को यहीं से गाड़ी पूरी मोड़नी है, सड़क नो डाउट चौड़ी है, ठीक है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हां मैं गाड़ी घुमा लूंगा। अब आप देखना, मैं यहीं से घुमाने की कोशिश करूंगा, यू टर्न दिया, ए देखो पूरा चक्का घुमा के आराम से गाड़ी घूम के, और मेरे पास बल्कि वहां स्पेस भी बचा हुआ था। तो भाई ये एक खूबसूरती होती है कि गाड़ी में जो टर्निंग रेडियस होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, राइट। अब यू टर्न मारने में देखो, जैसे आप आओगे, ऑब्वियस ही बात है, तो आप जैसे यहाँ पे आओगे अपनी गाड़ी का, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी जैसे मैंने ये पूरा का पूरा स्टीयरिंग जो है वो काट दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अभी देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो मेरी गाड़ी का टायर है वो ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। तो जब ये पूरा ऐसे कट के जब आएगा ना, ये जो पूरा का पूरा जो ये रेडियस बनता है इस सर्किल के बीच का, हाफ सर्किल में, तो ये जो रेडियस आता है ये होता है टर्निंग रेडियस। सपोज करो आगे रोड बंद है, ठीक है, रोड बंद है, अब मेरे को यहां से यू टर्न मारना है। अब यू टर्न मारने के लिए आप देखो, अब छोटी गाड़ी होगी, जितनी छोटी गाड़ी होगी जितना उसका टर्निंग रेडियस कम होगा, आपको आराम से गाड़ी घुमा सकते हो। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो कितना मजा आएगा, देखो अब आप खुद देखना कि मैं कितनी बार जो है ना आगे पीछे गाड़ी करूंगा। अब देखो ये पूरा काटा, ठीक है, फिर अपने जो है पीछे लिया, ये देखो, ठीक है, ये फिर काटा। अब देखो ये मैं आपको बताता, अब जितना टर्निंग रेडियस कम होगा ना, आपका स्टीयरिंग जितना, आपका जो व्हील है जितना मूवमेंट होगा उतनी आपकी गाड़ी इजीली जो है आराम से वो टर्न कर जाएगी, देखो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे पीछे और कर सकता हूँ, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं हल्की सी टच वगैरह हो जाए, तो भाई वो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आएगी। अब देखो ए गाड़ी
सिर्फ कितनी इजीली जो है ना गाड़ी घूम गई। अब यहीं पे आपका जो टर्निंग रेडियस ज्यादा हो जाता तो वहां पे मोड़ने में बैक करने में वहां समस्या आती है, मतलब आगे पीछे आपको जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों ये था सब कुछ हमारा टर्निंग रेडियस के बारे में। होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।